से जो जनसंपर्क है वो सरकार द्वारा सुदृढ़ किया गया है, मजबूत किया गया है हर लेवल पर। जी बिल्कुल। और तभी हमने देखा कि खासतौर से गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार बार बार रिपीट होती है, और गुजरात का जो हमने एक्सपीरियंस देखा वो अब अदर स्टेट्स में भी रिपीट होने लगा है। डबल इंजन सरकार की जब हम बात करते हैं तो उसका गुजरात है सबसे अच्छा उदाहरण है किस तरह से गुजरात ने तेजी से आर्थिक विकास किया। और सूरत जो बसा है वो तापी नदी के किनारे बसा है, यहाँ पर आसपास के जो गांव हैं गांव से लोग आए हैं, तो जब भी डेवलपमेंट होता है तो वो एक सिर्फ एक तबके के लिए नहीं होता है। एयरपोर्ट जो बन रहा है वो ये जरूर है यहाँ के पर्यटन या के ट्रेड को बढ़ावा देगा, लेकिन उसके अलावा जो आसपास टर्शरी इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, यहाँ का जो लोकल कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री हमेशा से जोर देते रहे हैं वोकल फॉर लोकल, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। तो ये एक पूरी चेन है जो गांव से निकलकर शहर तक आती है और शहर से निकलकर विदेशों तक जाती है। तो जब ये आर्थिक विकास होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब सोशल अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट होता है, तभी हर समाज के हर व्यक्ति को उसका फायदा पहुंचता है, और तभी वो लोग जाके वोट डालते हैं उस नाम के पीछे जिसको ये कहा जाता है कि ये मोदी की गारंटी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था विशाल, कि एक दशक का में बदला जाएगा, रेलवेज की बात की जाए, ट्रेनों की सूरत, और उन्होंने कहा था कि मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है। और यही आदत उन्होंने भारतीय जनता को भी दी कि आप बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचिए साफ तौर पर उस समावेशी विकास और सर्वांगीण विकास के पथ पर मेरे साथ चलिए। और इसीलिए भारत का कद अब वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोत्तम तौर पर किया जाता है। हाँ चल, और यही वजह है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप किसी भी देश की हम बात करते हैं तो उस देश का जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी लीडरशिप में होता है, क्योंकि कोई भी टीम अगर जीतती है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन की जरूरत होती है। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से वो गुजरात को डेवलप करके दिल्ली आए तब से लेकर अब तक उन्होंने किस तरह से इस विकास की धारा उसको आगे बढ़ाया है। और गुजरात जिसको हम कहते हैं गुज्जू कल्चर जो पूरी मशहूर था, अब भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में तेजी से मशहूर होती जा रही है। और जो कनेक्टिंग डॉट्स की अगर हम बात करें कि किस तरह कैसे जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो काफी सालों पहले उनके पूर्वज चले गए थे, लेकिन उनको अपनी जड़ों से उन्होंने जोड़ा है, और इसी तरह वो राजदूत बन गए हैं भारत के, और दे आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। तो जहां पर भी जिस देश में भी है वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं।